दिल्ली में तेजी के साथ यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। सुबह 8 बजे तक की बात करें तो 208.48 मीटर तक यमुना का जलस्तर पहुंच गया है और जल्द ही ये आंकड़ा 209 मीटर तक पहुंचने की संभावना है। और इस वक्त ये स्थिति है कि दिल्ली सचिवालय के बाहर तक यमुना का पानी पहुंच चुका है। रिंग रोड पर पहले ही पानी पहुंच चुका था। मॉनेस्ट्री और ISBT के बीच रिंग रोड पर यमुना का पानी पहुंच चुका है। रिंग रोड से मथुरा रोड जाने का रूट बंद कर दिया गया है। सिंगू बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश को भी बंद किया गया है। और ये दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली की सड़कें जो अमूमन सुबह 9 बजे के वक्त ट्रैफिक चारों तरफ नजर आता था, वहां पर अब सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और इस वक्त तरुण मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए। तरुण, लगातार यमुना का जलस्तर ऐतिहासिक आंकड़े को छू रहा है और परेशानी आम लोगों की वैसे ही बढ़ रही है। बिल्कुल, और ये परेशानी आज पूरा दिन बरकरार रह सकती है। और अगर रिकॉर्ड तोड़ इसी तरह से यमुना का जलस्तर बना रहा और रिंग रोड पर पानी आ गया है, भगवान ना करे अगर ये रेजिडेंशियल इलाके में चला जाता है तो लोगों की आफत और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और आफत दोगुनी चौगुनी तब हो जाएगी जब दिल्ली के अंदर बरसात पड़नी शुरू हो जाएगी। पिछले 3 दिनों से दिल्ली के अंदर थोड़ी बहुत ही बारिश हुई है, तो ये गनीमत रही है, जिसके कारण जो यमुना का जल स्तर है जो ऑलरेडी रिकॉर्ड छू रहा है, हर घंटे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तो स्थिति और ज़्यादा भयावह हो जाएगी। लेकिन अभी भी जो तस्वीरें हैं वो किसी त्रासदी से कम नहीं हैं। इस समय अगर आप ISBT से आ रहे हैं और अगर आप चाह रहे हैं कि मैं ITO चला जाऊं, तो IGI के सामने वाली जो रिंग रोड है उसको क्रॉस करना एक बड़ा जोखिम साबित हो सकता है। आप धर्म जिस बाइक वाले को देख रहे हैं, इसको मैंने आगाह किया था कि आगे डीप वाटर है, मत जाओ। शायद अब उसको मेरी बात रियलाइज हो रही होगी, उसकी बाइक खराब हो गई है। ये जोखिम साबित हो सकता है, कोई सीवेज का मेन होल खुला हो सकता है, बाइक पलट सकती है, आप भारी मुसीबत के अंदर फंस सकते हैं। जब इतना बड़ा ट्रक इस वाटर लॉगिंग को पार नहीं कर पाया तो बाइक कैसे कर पाएगी। लिहाजा ये एक तरह से सिंबॉलिक है, एक तरह से चेतावनी है कि इस समय रिंग रोड के ऊपर IGI स्टेडियम के सामने इस रोड को क्रॉस ना किया जाए। चूंकि हालात इतने बड़े ट्रक के ऐसे हो सकते हैं तो छोटी गाड़ियों का क्या हाल होगा। ये एक रोड की तस्वीर है, मैं दूसरे रोड की तस्वीर दिखाता हूँ। ITO की रेड लाइट से अगर आप राइट टर्न ले रहे हैं और दिल्ली गेट जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर भी फ्लड वाटर आ गया है। चूंकि एक तरफ का जो पानी है वो लांग रहा है डिवाइडर को और डिवाइडर से कूदता हुआ पानी दूसरी रोड पर जा गया है। यहाँ पर 4 लेन का जो ट्रैफिक है वो 1 लेन में रिड्यूस हो गया है। अब जब ITO से आप राइट लेते हैं और दिल्ली गेट जाने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ यही डेडलॉक नहीं है, यही बॉटलनेक नहीं है, आपको आगे जाने के लिए भी पुलिस की मंजूरी लेनी होगी, क्योंकि आगे भी डीप वाटर है। यानी कि ITO की रेड लाइट से राइट टर्न लेने के बाद आप दिल्ली गेट की रेड लाइट तक नहीं पहुंच सकते। और अगर आपने भारी जलभराव के बीच अपना वाहन ले जाने की कोशिश की तो आप भारी जलभराव के अंदर फंस सकते हैं, कोई दुर्घटना भी हो सकती है। इस समय पुलिस की भारी वहां पर तैनाती है। एक नैरो रोड से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से, चूंकि एक बड़ा अस्पताल है LNJP अस्पताल, ये उसको कनेक्ट करती हुई रोड है, एम्बुलेंसेज यहां पर जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे अब कुछ देर के बाद अगर ये पानी नहीं रुका तो इस रोड को भी एहतियातन बंद कर दिया जाएगा। आप देखिए जो मंजर है, कुछ लोग घबरा कर सलीमगढ़ फोर्ट वाला जो रोड है जो कि ISBT को कनेक्ट करता है वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर जलभराव नहीं है, लेकिन जो इंटीरियर रिंग रोड है वहाँ पर इस समय भारी मुसीबत है। ये जो आप देख रहे हैं DTC की बस, इसने आगे जाने से मना कर दिया है, लिहाजा सवारियों को वाटर लॉगिंग से पहले ही उतारा जा रहा है। दिल्ली सचिवालय के सामने गेट नंबर 6, वहाँ पर पानी मुझे कम से कम नहीं दिखा था 15 साल के करियर के अंदर, लेकिन दिल्ली सचिवालय गेट नंबर 6 के सामने भी भारी जलभराव है। दिल्ली सचिवालय से जगह आप ITO कनेक्ट करते हैं तो फ्लाईओवर के नीचे, वहां से भी आप गाड़ी नहीं ले जा सकते। विजुअल्स हमने दर्शकों के लिए साझा किए हैं और इस समय की स्थिति आप देखिए, मेरे ख्याल से वहां पर शायद कोई गाड़ी फंस गई है
और अब यह रोड पूरी तरह से जाम हो गया है। यानी कि आईटीओ से राइट लेते हुए दिल्ली गेट की रेड लाइट तक जाने के लिए आप रिंग रोड का इस्तेमाल ना करें। ये जो टेलीकास्ट व्यूअर्स देख रहे हैं, घर से निकलने से पहले अगर उनका दफ्तर दिल्ली गेट है और अगर वो यमुना पार इलाके से आ रहे हैं तो इस रोड को अवॉइड करें, चूँकि आप इस रोड का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली गेट पर अपने दफ्तर तक या फिर LNJP अस्पताल तक या फिर रामलीला ग्राउंड या फिर उससे आगे करोल बाग तक कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तरुण, इसमें एक पक्ष ये भी है, क्योंकि स्थिति लगातार ख़राब होती जा रही है, तो जो जो इलाके प्रभावित हैं, सरकार की तरफ से क्या इन इलाकों में जो ऑफिसेज रन हो रहे हैं उनको लेकर कोई गाइडलाइंस नहीं है कि आप वर्क फ्रॉम होम करें या ऑफिसेज को कुछ दिनों के लिए बंद कर दें? देखिए, ये स्थिति इस समय इसी बात की दरकार रखती है कि सरकारी जो दफ्तर हैं और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर कहीं पर भी जलभराव रिपोर्ट हो रहा है, यमुना बाढ़ का पानी आ गया है, और ये यमुना बाढ़ का ही पानी है, किसी तरह की कोई गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए। सुबह 6 बजे से हम दिल्ली के रिंग रोड के ऊपर ही रोम अराउंड कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर बारिश नहीं हुई है, तो ये जलभराव दिल्ली की बारिश का नहीं है, ये यमुना के फ्लड वाटर का है जलभराव, जिसके तस्वीरों के जरिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिंग रोड से सटी हुई कई जगहों पर, जैसे कि गीता कॉलोनी शमशान घाट है, वो 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। वहाँ पर क्रीमेशन के लिए जगह ही नहीं बची है, पूरा जलमग्न हो गया है क्रीमेशन सेंटर। 2 दिन के लिए प्रशासन ने गीता कॉलोनी शमशान घाट के एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि 2 दिन तक यहां पर आप किसी शव का दाह संस्कार नहीं करेंगे। इसी तरह का मंजर आपको निगम बोध घाट में भी देखने के लिए मिल सकता है। MCD ने लोगों को एडवाइजरी जारी की है कि आसपास के शमशान घाट का वो इस्तेमाल करें, निगम बोध घाट के ऊपर शवों का दाह संस्कार करने से रुकें। आसपास के कुछ और शमशान घाट की लिस्ट भी MCD ने जारी की है। इसके अलावा ISBT कश्मीरी गेट के पास, वहां पर वसुदेव घाट का निर्माण DDA कर रहा है, वहाँ के कर्मचारी जो घाट का निर्माण कर रहे थे यमुना बैंक के ऊपर, वो देर रात ही बाहर आ गए, चूँकि लबालब पानी वहाँ पर भरा हुआ है, सैंड बैग लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद रोड, रिंग रोड के ऊपर वहाँ पर पानी जमा है। दिल्ली की सबसे फेमस मॉनेस्ट्री मार्केट, यंगस्टर्स का एक आइकॉनिक प्लेस है, वहाँ पर सस्ते कपड़े मिलते हैं, वहाँ की सारी दुकानें जलमग्न हैं। तिब्बतन मार्केट का भी यही हाल है, जो मजनू का टीला के पास है। तो ये जो पूरा स्ट्रेच है, भैरो रोड से अगर आप शुरू करें, आश्रम से शुरू करें, और करीबन 10-12 किलोमीटर तक उस तरफ जाएंगे आप बुराड़ी की तरफ, तो मंजर इसी तरह का है। स्थिति बहुत त्रासदी भरी है और लोगों को इस समय अवॉइड करना चाहिए कि अगर ज़रूरी ना हो तो, अगर वो इस रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ना करें। ठीक है, और इस वक्त हरिकिशोर शाबी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कालिंदी कुंज से जुड़ रहे हैं, और राकेश कुमार जो इस वक्त न्यू उस्मानपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पहले हरिकिशोर के पास चलते हैं जो कालिंदी कुंज से मौजूद है। हरिकिशोर, आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि उस पूरे इलाके जो कालिंदी कुंज का बिल्ट है प्रभावित, वहां पर भी हुआ होगा, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? जो है कि यमुना के जो सटे इलाके हैं, खासकर मदनपुर खादर और विश्वकर्मा कॉलोनी जैसे इलाकों में भी बाढ़ देखा जा रहा है। वहीं मदनपुर खादर इलाके में किसानों के हजारों एकड़ जमीन की जो फसल होती है वो पूरी तरह बर्बाद हो गई है, और अभी हम इस वक्त वहीं पर हैं और वहीं से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि हम आपको बता दें, यहाँ पर लोगों का जो है कि थोड़ा सा नाराज है, क्योंकि उन्हें प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का सहायता नहीं मिल पा रहा है, और ना ही उन्हें यहाँ पर जो है कि उनके सामानों को निकालने के लिए किसी प्रकार की कोई टीम भेजी गई है। तो लोग जो है यहाँ पर परेशान है, क्योंकि लोग खुद से ही सामान निकाल करके जा रहे हैं, उनके आधे सामान जो है खराब हो चुके हैं। तो वही जो है यहाँ पर ना तो उनके रहने की और खाने की किसी प्रकार की व्यवस्था की गई है, जिसको लेकर के वे सरकार से नाराज भी दिख रहे हैं। हालांकि लगातार पानी में इजाफा होने की वजह से पूरे जो क्षेत्र है इधर के यमुना के जो भी सटे हुए क्षेत्र है उन सभी में पानी चढ़ चुका है, और जो है कि कुछ इलाकों में NDRF की टीम भी भेजी गई है। हालांकि प्रशासन के द्वारा कुछ इलाकों में लगातार विजिट किया जा रहा है और उन्हें राहत देने के लिए पूरी तरह से बचाव कार्य भी किए जा रहे हैं। ठीक है, राकेश, न्यू उस्मानपुर उस रीजन की अगर बात करें तो वहां पर कितना बड़ा इलाका है जो इस वक्त तक प्रभावित हुआ है? जी, मैं आपको दिखा दूं, काफी बड़ा इलाका है। आपको मैं बताऊं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया बिहार से लेके और शास्त्री पार्क इलाके तक, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली इलाके में लगता है, वहां तक काफी हद तक जो है पानी ऊपर तक आ गया है। जो यहाँ के लोग जो बता रहे हो, कम से कम 45 साल का जो है रिकॉर्ड इस समय
टूट चुका है। मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा, कई लोगों को अभी भी रेस्क्यू किया जा रहा है, अभी जो नाव है वो अंदर गई है, कई लोगों को बाहर लेके आई है। आपको ये दिखा दूंगा, ये पाइप लाइन आप देख सकते हैं, कभी ये पाइप लाइन कभी इसको पानी टच नहीं करता था, लेकिन इस बार पानी की संख्या काफी मात्रा से बढ़ चुकी है। लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पे लगी हुई है। सेल्फी पॉइंट एक तरीके से जो ये उस्मानपुर जो पुराना गांव है, ये सेल्फी पॉइंट भी बन चुका है। कई लोग आ रहे हैं अपना यहाँ पे सेल्फियां भी ले रहे हैं, और एनडीआरएफ की टीम जो है कई लोगों को रेस्क्यू कर रही है, क्योंकि काफी संख्या में लोग जो है अभी अंदर पुराना जो उस्मानपुर गाँव है वहां कई लोग जो है अभी भी फंसे हुए, तो काफी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। मेरे एक साथ यहाँ कुछ स्थानीय निवासी भी हैं, उनसे जान लेते हैं कि कितने लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है। सर नाम बता दीजिए अपने बारे में। चमन सिंह नाम है मेरा, गांव उस्मानपुर के निवासी हैं। कितने लोग अंदर फंसे, कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया, क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कतें सबसे ज्यादा बोट की आ रही है, जो लोग फंसे हुए हैं उनको बोट उलट नहीं हो पा रही है। अभी जो है एक ही बोट है, उसमें लोगों की संख्या ज्यादा है अंदर अभी, जो निकल पूरी तरह से निकल नहीं पा रहे हैं। सबसे ज्यादा ध्यान बोट पर देने वाली बात है, जो बोट यहाँ पे बढ़ाई जाए, जिससे कि जो लोग स्थानीय लोग हैं जो अंदर सामान या जो भी है जो इंसान है उनको सबसे पहले बचाने की प्राथमिकता देनी चाहिए। अच्छा, प्रशासन की तरफ से कहा भी गया था कि यहाँ पानी आ सकता, आप लोग बाहर आ जाए, फिर भी लोग बाहर नहीं निकल के आए? प्रशासन की तरफ से कहा गया था, तभी से अलर्ट जारी किया गया था, तभी से लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन सामान को लाने में काफी समय लगा उनको, और जो भी उनकी जरूरी चीजें हैं, मूलभूत सुविधा की चीजें हैं, खाने की चीजें हैं, उसके लिए भी उन्हें काफी समय मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ लोग काफी लोग उसमें भी फंसे हुए हैं जिनको निकालना जरूरी है। कितनी संख्या में लोग होंगे अंदर? लगभग संख्या में तो अभी लोग करीब होंगे 150-100 के करीब होंगे, जो छतों पे अपनी पे रह रहे हैं, उनको निकालने की व्यवस्था की जाए। देखिए, जैसा इन्होंने बताया करीब 100 से 150 लोग अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन एक ही बोट जो है यहाँ लगाई गई है, और एक बोट में अगर आते भी है वहां से अगर रेस्क्यू करके लाते तो कितने लोगों को लाया जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 या 8 लोगों को। जी ठीक है, और जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके रहने खाने की व्यवस्था क्या मुकम्मल है? प्रशासन की तरफ से क्या कोई गाइडलाइंस उनको जारी किया गया है, उनको कुछ बताया जा रहा है, या फिर वो पूरी तरीके से ब्लैंक है, उनको इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? देखिए, हाँ, ये एक सवाल है। इसमें सबसे बड़ी बात यह, पहले जब बाढ़ आया करती थी तो पहले एक सुविधा यहाँ आगे कर दी जाती थी कि टेंट लोगों के लिए लगा दिए जाते थे, खाने पीने की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन जो अंदर से रेस्क्यू करके जो लोगों को बाहर लाया जा रहा है, वो लोग सिर्फ बाहर जो सड़क किनारे बैठ रहे हैं या आसपास किसी रिश्तेदारी के पास चले जा रहे हैं। खाने की व्यवस्था यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, ना ही कोई ऐसी सरकार की तरफ से यहाँ सुविधा दी जा रही है कि लोग आए बैठे या उनको कोई और सुविधा दी जाए। जी, कुछ और लोगों से थोड़ा बातचीत कीजिए राकेश, कि किस तरीके से उनको दिक्कत हो रही है, क्या कुछ उनकी अपील प्रशासन से है, सरकार से है? जी, मैं थोड़ा सा आगे चलना होगा इनसे बात करते। माता जी, आपके भी कुछ लोग फंसे हुए अंदर का? हाँ जी, एक ऊपर अभी निकला नहीं है, अब निकालने गए हैं, देखो क्या होता है। अच्छा, दिक्कत क्या आ रही है आप लोगों को? हमें दिक्कत घर में ज्यादा आ गई है, पशु हमारी बहुत परेशान है, वोट के लिए तो आप बोल ज्यादा परेशान। अच्छा, एक बार और बात कर लेते हैं इनसे, कितने लोग अंदर फंसे हैं, क्या दिक्कत है? माता भगवान अंदर थे, और सब छत पे बैठी है, फैमिली परेशान है, हमारी कोई पता नहीं। हमारी नहीं है, वो छत पे बैठी परेशानी। अच्छा माता, एक सवाल करें आपसे, जो 1975 में समय जो बाढ़ सॉरी आई थी, उस समय ऐसा पानी था? हाँ, पानी इतना ही है, पर ये नए पेड़ आए डाला है, पिछला रिकॉर्ड टूट चुका है। खजूरी नई, जब खजूरी भी पानी लगाया, ये पुस्ता भी नया बस अड्डे का। भाई साहब, आप बताएंगे, आप बता दीजिए कितने लोग फंसे हुए, कितनी समस्या, कपड़े लेके खड़े हैं, बताइए। भाई, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं गांव में, अभी कोई आइडिया नहीं है, और कौन बहुत सारे पशु भी फंसे हुए हैं, हेल्प के लिए एक नाव है, खाने पीने की व्यवस्था कहीं से, पानी पीने की नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ भगाया जा रहा है यहाँ से, कोई भी हेल्प नहीं की जा रही है हमारी। जी देखिए, जिस तरीके से बताया, लोगों ने भी बताया कि कोई व्यवस्था यहाँ नहीं की जा रही है, जैसे लोग अगर रेस्क्यू करके बाहर लेके आते हैं, उनको सड़क किनारे वो लोग बैठ रहे हैं, या फिर अपने कोई परिजन है या रिश्तेदार है, उनके यहाँ उन लोगों को जाना पड़ रहा है। जी चलिए, और अभी प्रशासन की तरफ से इनको किस तरीके की मदद मुहैया हुई है, नहीं, और कब तक सब जो लोग फंसे हैं, जो लोग प्रभावित हुए हैं, उनके जहन में सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा कि कब तक स्थिति सामान्य होगी,
और ये उनको बेहतर तरीके से प्रशासन की तरफ से बताया जा सकता है। तो प्रशासन और जो प्रभावित लोगों के बीच किस तरीके का कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं? बात तो बताओ, अपना एक बार सवाल फिर से दोहराएंगे राकेश, जो प्रशासनिक तंत्र हैं और जो प्रभावित लोग हैं उनके बीच क्या कोई कम्युनिकेशन हो रहा है? लगता है मेरी आवाज राकेश तक नहीं जा रही है। तो ये दिल्ली में यमुना का जो पूरा बिल्ट है वो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है, और सुबह की अगर हम बात करें तो सुबह रिंग रोड तक यमुना का पानी पहुंच चुका था, और अब देखिए दिल्ली सचिवालय तक यमुना का पानी पहुंच चुका है।